हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डिस्टेंस लर्निंग। तो इस वीडियो में हम 28 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है हमारी आंखें पहल। देखिए, ये भारत और कंबोडिया जो दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है उसके मध्य में हुआ है, और इसके तहत दोनों देश खुफिया और सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और कंबोडिया के मध्य मानव तस्करी को रोकथाम के लिए एक समझौता और हुआ है, जिसके ज्ञापन पे दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देश मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ आप कंबोडिया देख सकते हैं, ये कंबोडिया है। यहाँ पे एक अंकोर वाट मंदिर भी है जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, मतलब सबसे बड़ा मंदिर है। और थोड़ी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं साउथ चाइना सी की। देखिए, ये चाइना है और ये साउथ चाइना सी है। तो चाइना इस स्थल पर, मतलब इस यहाँ पर अपना अधिकार मानता है। वास्तव में देखिए, सभी देश हैं, बहुत सारे देश हैं यहाँ पर, वे सभी अपना अधिकार जताते हैं। यहाँ पे अधिकार जताने का मुख्य कारण, यहाँ से आवाजाही बहुत होती है परिवहन की, मतलब यहाँ से जो शिप हैं वो बहुत ज्यादा जाते हैं। व्यापार का बहुत ही व्यस्त मार्ग है। अगर कोई देश यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है तो वो इस व्यापार को बाधित भी कर सकता है और इसका लाभ भी उठा सकता है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र है। अभी कुछ समय पहले वियतनाम को यहाँ पे पेट्रोलियम के कुछ स्पॉट्स मिले थे, तो उसने भारत को आमंत्रित किया है इन पेट्रोलियम पदार्थों के उत्खनन के लिए, और इस बात से चीन बहुत चिढ़ा हुआ है। देखिए, ये है भारत, ये है बर्मा, इन दोनों की सीमा मिलती है। ये हमारा थाईलैंड, और यहाँ लाओस है। देखिए, जो लाओस है उसकी जो सीमा है वो समुद्र से नहीं मिलती है, ठीक है। और ये है वियतनाम, तो इसकी सीमा तो समुद्र से मिलती है, आप देख सकते हैं। और देखिए, ध्यान रखने वाली एक बात यह है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इस बार जो 26 जनवरी की जो हमारा समारोह था, गणतंत्र दिवस का जो समारोह था, उसमें 10 आसियान देशों के राष्ट्र प्रमुखों को भारत ने आमंत्रित किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो पूछ सकते हैं। आसियान देशों में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश जो लगभग यही हैं पूरे, वो शामिल है आसियान में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। ये न्यूज 29/1/2018 की है। देखिए, आसपा पर पुनर्विचार के लिए एक रिपोर्टर ने जनरल, जो हमारे थल सेना प्रमुख है जनरल बिपिन रावत से प्रश्न पूछा कि क्या इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तो जनरल बिपिन रावत ने बड़े ही सरल शब्दों में इसको पूरी तरह खारिज कर दिया कि आसपा पर किसी तरह का कोई पुनर्विचार नहीं होगा। देखिए, ध्यान रखने योग्य बात है कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य मैं अभी आसपा लगा हुआ है। देखिए, आसपा बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में आगे समझ लेते हैं आगे वाली स्लाइड्स में कि क्या है आसपा। देखिए क्या है आसपा, 45 साल पहले भारतीय संसद ने आसपा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को लागू किया था। 1958, याद रखिएगा एक्ट का नाम, ठीक है पूरा। और जो एक फौजी कानून है, ये एक फौजी कानून है जिसे डिस्टर्ब क्षेत्रों में लागू किया जाता है। यह कानून सुरक्षा बलों और सेना को विशेष अधिकार देता है। आसपा को एक सितंबर 1958 से असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लागू किया गया था। इन राज्यों के समूह को सात बहनों के नाम से जाना जाता है। देखिए, याद रखिएगा, जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं हमारे, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इन्हें सात बहनों के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मणिपुर है, नागालैंड है। तो ये जो है ये सात बहनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आसपा के अधिकार। देखिए, आसफा के अनुसार जो डिस्टर्ब क्षेत्र घोषित किया जाता है उसमें सशस्त्र बलों के एक अधिकारी को निम्नलिखित शक्ति दी जाती है। अब वो शक्ति देख लेते हैं हम कि उस अधिकारी, जो सैन्य अधिकारी, उसको क्या शक्ति होती है। चेतावनी के बाद यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है
अशांति फैलाता है तो सशस्त्र बल का विशेष अधिकारी द्वारा आरोपी की मृत्यु हो जाने तक अपने बल का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी इस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आसपा अगर लगा हो उस क्षेत्र में तो। अफसर किसी आश्रय स्थल ढांचे को तबाह कर सकता है और जहां से हथियारबंद हमले की आशंका हो। देखिए, आपने हैदर में देखा होगा, ऐसे ही कुछ होता है हैदर मूवी में भी, ठीक है ना। सशस्त्र बल किसी भी असंदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए, याद रखिएगा, ये जहां पे आसपा लगा हो वहां पे जो सशस्त्र बल है किसी भी व्यक्ति को, मतलब ये संदिग्ध है, माफी चाहता हूँ, संदिग्ध व्यक्ति को किसी भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। बिना वारंट के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान उसके द्वारा किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, जो अफसर के द्वारा किसी भी शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पॉइंट में कहा गया है कि जो सैन्य अधिकारी है वो परिवार के किसी सदस्य, संपत्ति, हथियार या गोला बारूद को बरामद करने के लिए बिना वारंट घर के अंदर जा सकता है, तलाशी ले सकता है, इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी कर सकता है। ये आसपा के अंतर्गत ये बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक वाहन को रोककर गैरकानूनी ढंग से जहाज पर हथियार ले जाने पर तलाशी ली जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको जल्दी पड़ोसी जो पास का पुलिस स्टेशन है उसमें अपनी गिरफ्तारी के कारण के साथ उपस्थित होना पड़ेगा और कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और सेना के अधिकारी को उसके वैध कार्यों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा दी जाएगी। देखिए, अपन ने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि मान लीजिए कुछ कारणवश सैन्य अधिकारी के हाथ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उसको कानूनी प्रतिरक्षा दी जाती है इस एक्ट के तहत। लास्ट पॉइंट है कि सेना के पास इस अधिनियम के तहत अभियोजन पक्ष अनुकूल या अन्य कानूनी कार्रवाई के तहत अच्छे विश्वास में काम करने वाले लोगों के लिए रक्षा करने के अधिकार, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। आशा करता हूँ ये आसपास आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, नौसेना अड्डे के लिए सेशल ने भारत को द्वीप सौंपे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे जो मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर का पठार, और इसके जस्ट थोड़े से उत्तर में ये है सेशल द्वीप। तो ये द्वीपीय देश है और भारत ने इसके साथ समझौता करा है कि भारत यहाँ पे अपने नौ सैनिक अड्डे स्थापित कर सकता है। इसके कारण देखिए मैं बताता हूँ। इसका पहला कारण है कि यहाँ पे एक देश है सोमालिया, जानते आपने सुना होगा सोमालिया, तंजानिया, तो ये देश यहाँ पे पायरेटिंग करते हैं, मतलब जो पायरेट्स हैं उस देश के पायरेट्स हैं जो यहाँ से जो शिप जाते हैं, जो मालवाहक शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, उनको वो लूट लेते हैं। तो यहाँ से अगर भारत अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित करता है तो उसे गश्ती में आसानी होगी। और दूसरा कारण ये है कि वर्तमान समय में हिंद महासागर की प्रासंगिकता सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप अभी हम देखा है आपने कि चीन दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है, और चीन कभी भी इस रीजन में अपनी पनडुब्बी भेज देता है, तो ये भारत की सामरिक दृष्टि के लिए खतरा है। तो ये एक अच्छा कदम है भारत सरकार द्वारा। याद रखिएगा, सेशेल सेशेल एक द्वीपीय देश है जिससे भारत ने समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईएनएस तारिणी ब्रिटेन पहुंची। तो देखिए, आईएनएस तारिणी क्या है? देखिए, आईएनएस तारिणी एक नेवल शिप है, ये जो शिप है यही है आईएनएस तारिणी, और इसके द्वारा इन 6 महिलाओं ने पृथ्वी का चक्कर लगाया हुआ है, और ये जो हमारे नौसेना प्रमुख के साथ खड़ी हुई हैं। देखिए, इनका रूट ये रहा था, ये इन्होंने गोवा से अपना सफर चालू करा था और ऑस्ट्रेलिया होते हुए यहाँ से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से नीचे नीचे से जाते हुए अभी ये लोग ब्रिटेन पहुंचे। हमने देखा ये अभी ये ब्रिटेन पहुंचे हैं, फॉकलैंड आइलैंड पहुंचे ये लोग, और इसके बाद ये यहाँ से होते हुए वापस भारत आ जाएंगे। तो आपको इसमें याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि आईएनएस तारिणी क्या है।
INS तारिणी, ठीक है याद रखेंगे आप लोग। अब हम 30/1/2018 की न्यूज देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति ने एक देश एक चुनाव की पैरवी की। क्या है ये एक देश एक चुनाव? देखिए मैं समझाता हूँ। हमारा एक भारत देश है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं और समय अनुसार 5-5 साल का सभी का कार्यकाल होता है, आप जानते हैं, विधानसभा का और लोकसभा का। तो एक देश एक चुनाव की जो विचारधारा है, इसमें ये कहा जाता है कि पूरे देश में एक साथ ही पूरे चुनाव हो जाएं, विधानसभा के, लोकसभा के, जितने भी हमारे 29 राज्य हैं उन सभी में, और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है, और लोकसभा में, सभी में एक साथ चुनाव हो जाना चाहिए। ये एक देश एक चुनाव की मूल है। अब देखिए इससे फायदे क्या होंगे, अगर एक साथ पूरा चुनाव, मतलब एक साथ ही पूरे देश में चुनाव हो जाते हैं, तो पैसे की बचत होगी। देखिए आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कितनी भारी मात्रा में चुनाव के दौरान पैसे का इस्तेमाल करती हैं, तो इससे पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी। देखिए ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि चुनाव आता है तो सभी जो राजनीतिक पार्टियों के जो प्रमुख होते हैं वो चुनाव कैंपेन में लग जाते हैं, भले वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, सभी इससे जो असल कार्य है, जो लोकतंत्र का जो असल कार्य है, जनता की सेवा, उससे थोड़ा भटकावा जाता है, तो इससे समय की बचत होगी। फिर बार बार चुनाव से मानव संसाधनों पर बोझ पड़ता है, ये भी आप बस समझ गए होंगे। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो हम किसी और दिन समझ लेंगे, इस टॉपिक को हम डिटेल में ही चर्चा कर लेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। ये न्यूज़ बस आप थोड़ा समझ लीजिएगा इसको और देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। बीटिंग स्ट्रीट समारोह के साथ 69वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ। देखिए बीटिंग स्ट्रीट समारोह क्या होता है, जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह होता है, लगभग वो 5-6 दिन ये समारोह चलता है। देखिए दिवस तो एक होता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ये आप सब जानते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह होता है वो लगभग 5-6 दिन चलता है, और अंतिम दिन मतलब 30 तारीख को विजय चौक पर, ये देखिए यहाँ से आप सीधे जाएंगे, आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आप जानते होंगे यहाँ सीधे राष्ट्रपति भवन है, तो ये है विजय चौक, ठीक है। तो विजय चौक पर ये समारोह होता है, इसमें सेना के कई रेजिमेंट और बटालियन अपने बैंड सेना के बटालियंस के बैंड हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सीपीईसी पर भारत के साथ बातचीत को तैयार हुआ चीन। सीपीईसी तो आप जानते होंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखिए न्यूज़ क्या है, देखिए चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने 50 50 अरब डॉलर वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर मतभेदों को सुलझाने के लिए भारत से बातचीत को तैयार हुआ। सीपीईसी चीन द्वारा निर्धारित वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत एक गलियारा चीन के कासगंज, देखिए ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा, चीन के कासगंज है, चीन के कासगंज से प्रारंभ होकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, ये तो आपने बहुत बार सुना ही होगा ग्वादर पोर्ट, लेकिन चीन के कासगंज से प्रारंभ होता है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। इसको हम एक बार मैप में भी समझ लेते हैं। देखिए ये है भारत, ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान और ये है चीन। चीन का कासगंज यहाँ रहा, ये ऊपर देख सकते हैं आप, और जस्ट यहाँ नीचे ये रहा ग्वादर पोर्ट, ये रहा कराची पोर्ट। तो यहाँ से ये चालू होता है और यहाँ तक जाता है। अब भारत के साथ चाइना को क्यों बात करना पड़ रही है, इसका कारण ये है कि देखिए ये है पीओके, आप जानते होंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वास्तव में ये भारत का 1947 से पहले भारत का पार्ट था, और हालांकि पाकिस्तान भी पूरा भारत का ही पार्ट था, लेकिन आप जानते होंगे कि कवालियों के द्वारा हमला कराकर पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत आज भी इस पर अपनी संप्रभुता मानता है। तो ये जो गलियारा है ये यहां से जाता है और भारत इसी अपना संप्रभुता का हनन मानता है। तो इसके कारण ये जो पाकिस्तान, जो चीन की जो वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, इस पे खतरा मंडराते हुए देख भारत से बात करने को राजी हुआ है चीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम है, उन्होंने आर्थिक समीक्षा मतलब इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो तो
देख लीजिएगा, नहीं तो कुछ बुक्स आती हैं, कुछ जैसे दृष्टि कोचिंग है, उसकी एक बुक से बुक निकालते हैं वो, जिसमें पूरा सार होता है, या फिर आप mnal.org पे भी जाके देख सकते हैं, वो भी मतलब अच्छी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो बनाता है। लेकिन फिर भी आप इसमें ये देख लीजिए, 7.7 से 7.5% भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो रहने की इसमें बात कही गई है, और इसमें बहुत सारी बातें की गई है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपसे जरूरी ये कहूँगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे को एक बार देख लें, दृष्टि वाली बुक ले लें, या फिर आप mnal.org पे जाके देख लें, या फिर अनअकैडमी भी आप विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए मध्य प्रदेश जो MPSC वाले हैं वो सभी दोस्त इस पे ध्यान दें, ये पूछा जा सकता है उनके MPSC प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश के पीथमपुर में तैयार हुआ है एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक। क्या है ये? देखिए ऑटो टेस्टिंग ट्रैक वो होता है जिसपे जो वाहन होते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बनी इस ट्रैक है ये, ट्रैक नॉट बैंक, ट्रैक पर वाहनों का सामूहिक परीक्षण, मूल्यांकन, शोध व विकास और वाहनों का मानकीकरण की सुविधा होगी इस पर। पीतमपुर आप जानते होंगे धार जिले में आता है, मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर की पीतमपुर आता है, ये एक औद्योगिक केंद्र है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब आ गई ये 1/2/2018 की न्यूज, खेलो इंडिया अभियान। क्या है ये खेलो इंडिया अभियान? देखिए देश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सरकार उन खिलाड़ियों को, ये देखिए परेशान हो गया, सॉरी माफी चाहता हूँ, प्रोत्साहन ही है, प्रोत्साहन करना चाहती है जो खेल के प्रति समर्पित हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है देश के खेल में माहौल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उच्च स्थान दिलाना है। देखिए बात क्या हुई थी, 2000 जो हमारे पिछले जो ओलंपिक निकल गए हैं जो रियो डी जेनेरियो में हुए थे, उसमें आप जानते हैं भारत की स्थिति क्या रही थी, मतलब बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ था, मुश्किल से 1-2 पदक ही हम हासिल कर पाए थे, तो इस बात से बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये खेलो खेलो इंडिया कैंपेन की शुरुआत का मसौदा तैयार किया गया था, इसके लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बिठाई गई थी। और इसमें होता क्या है, खेलो इंडिया अभियान में होगा क्या कि प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत जो प्रत्येक वर्ष 1,000 खिलाड़ियों को लगभग 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, और यह कार्यक्रम 5 साल तक जारी रहेगा। ठीक है, यह कार्यक्रम 5 साल तक जारी रहेगा। INS करंज का जल अवतरण होगा। देखिए क्या है ये INS करंज, ये इसको देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्कॉर्पियन क्लास की ये तीसरी पनडुब्बी है। ठीक है, ये तीसरी पनडुब्बी है स्कॉर्पियन क्लास की, और ये मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई थी। करंज जो है यह, अब देखिए इसकी थोड़ी खास मतलब कुछ बात कर लेते हैं इस पे, यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75, देखिए आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग शायद ये UPSC लेवल का क्वेश्चन बन सकता है इस पे, कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, किससे संबंधित है, क्या प्रोजेक्ट 75 स्पेस से संबंधित है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये सभी गलत है, ये नौसेना, भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट है। इसमें पहले स्कॉर्पियन क्लास की पहली पनडुब्बी INS कलवरी, देखिए बहुत इसका भी नाम याद रखिएगा, INS कलवरी पहली पनडुब्बी थी, दूसरी पनडुब्बी का नाम था INS खांदेरी, का जल अवतरण हो चुका है। जो अभी INS खांदेरी है वो अभी परीक्षण के दौर से गुजर रही है, और ये जो हमारी करंज है ये भी लगभग 1.5 साल तक परीक्षण के दौर से गुजरेगी, और उसके बाद लगभग 2019 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। देख करंज की विशेषता देख लें, देखिए करंज INS करंज में क्या विशेषता है, यह पनडुब्बी अपनी बनावट के कारण रडार के पकड़ से बच सकती है, यह पानी के अंदर सतह पर भी वार कर सकती है, सतह पर हमला करने में सक्षम है, यह एंटी शिप मिसाइल एवं टॉर्पेडो, टॉर्पेडो है यहाँ तौर नहीं है, टॉर्पेडो से भी हमला कर सकती है। ठीक है, अगर अगर ऑक्सीजन, देखिए ये अपनी खुद ऑक्सीजन जनरेट करने की क्षमता भी है इसके अंदर, तो इससे ये पानी के अंदर बहुत देर तक लंबे समय तक रह सकती है।
मैं स्पेलिंग के लिए माफी चाहूंगा। देखिए, 2 तारीख में बजट आ चुका था, तो पूरे पेपर में बजट की बात करी गई है, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें हम बजट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अफगानिस्तान में सैन्य अड्डा बनाएगा चीन, तो चीन को क्या आवश्यकता पड़ गई अफगानिस्तान में सैन्य अड्डा बनाने की। देखिए, वाखान एक इलाका है अफगानिस्तान में, ये रहा अफगानिस्तान और ये रहा वाखान इलाका, जहाँ तो यहाँ पे दोनों देश संयुक्त तो गश्त करेंगे। अब समस्या ये है यहाँ पर कि अफगानिस्तान में आईएस के आतंकवादी यहाँ से जा सकते हैं चाइना, तो इसलिए सैन्य अड्डा बना के यहाँ पे अफगानिस्तान और चीन के सैनिक संयुक्त गश्त करेंगे। यहाँ पे सिंजियांग प्रांत है, यहाँ पे ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो चाइना को और भी इसलिए ज्यादा डर है कि संभव है कि ऐसा यहाँ कुछ उपद्रव हो सकता है, इसलिए यहाँ ये बनाया जा रहा है। चीन के वन बेल्ट वन रोड का जवाब होगा अफगान। अफगान क्या है? देखिए, अफगान एक समझौता है जिसमें भारत ने अभी हिस्सा लिया है। अफगान समझौते में सदस्यता मिल गई है भारत को। इसके तहत भारत मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले परिवहन गलियारे तक पहुंच बना सकेगा। देखिए, भारत का जो मुख्य उद्देश्य है वो चाबहार परियोजना को अफगान परियोजना से जोड़कर चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना का विकल्प देना है। तो ये रहा चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, चीन अपने वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत बहुत सारे गलियारे बना रहा है, आर्थिक गलियारे बना रहा है, जिसके तहत वो बहुत सारे देशों तक तो अपनी पहुंच बनाएगा। एक गलियारा यहाँ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, यहाँ चाबा गौदरपोर तक जाता है। तो भारत क्या करना, अब भारत के पास विकल्प नहीं था कोई भी, तो इसलिए उसने अफगान परियोजना का हिस्सा लिया। अब देखिए भारत क्या करने जा रहा है। देखिए, भारत यहाँ है ग्वादर, यहाँ है चाबहार पोर्ट, इराक में है चाबहार पोर्ट। तो अभी क्या होता था कि अगर भारत को अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान एक लैंड ब्लॉक भू अवेष्टित राज्य है, तो अगर भारत को अफगानिस्तान में कोई भी चीज भेजना होगा तो उसको पाकिस्तान के जरिए भेजना होता था। तो अब आप तो जानते ही हैं पाकिस्तान और भारत के संबंध। तो भारत ने क्या करा, इराक में एक पोर्ट का निर्माण करा जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। ठीक है, अब इस चाबहार पोर्ट से भारत अपने शिप भेजेगा, चाबहार पोर्ट पे सामान उतरेगा और इराक से होते हुए वो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा। लेकिन अब अफगान समझौते में भारत शामिल हो गया है, तो यहां से वो अंदर भी अपनी पहुंच बना सकता है, इन देशों तक भी पहुंच बना सकता है, क्योंकि भारत यहाँ से तो पूरा लैंड ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है। ठीक है ना, तो ये आप परियोजना समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और आज की जो न्यूज़ है 4/2/2018 की, तो भारत जो है 4थी बार अंडर 19 विश्व कप का विजेता बन गया है। आप जानते हैं ये 4थी बार बना है, आप याद रखिएगा, और 3 बार ऑस्ट्रेलिया बन चुका है, लेकिन भारत 4थी बार बन चुका है अंडर 19। अंतरिक्ष में सबसे लंबी चहलकदमी, देखिए अंतरिक्ष में सबसे लंबी चहलकदमी हुई है रूसी, दो रूसी यात्रियों द्वारा, दो रूसी यात्रियों द्वारा, और ये इसका समय था 8 मिनट 13 सेकंड। क्या हुआ है, अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बाहर इन लोगों ने 8 घंटे और 13 मिनट बिताए हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, देखिए ये कोई बात याद रखने वाली नहीं है, बात ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये है इम्पोर्टेंट, यही पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो ये एक सामूहिक कार्यक्रम है जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने भाग लिया है। ये देख सकते हैं आप, स्पेस स्टेशन है ये, तो इन इन सभी देशों की स्पेस एजेंसी ने इसको बनाया है, इस स्पेस स्टेशन को। ठीक है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि इसमें किस देशों ने भाग लिया है। अगर पेपर में पूछा जाता है कि इसमें चाइना की स्पेस एजेंसी थी या फिर पूछा जाता है इसमें इसरो की एजेंसी थी, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसमें केवल अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ और कनाडा, 1 2 3 4 5 5 देशों की एजेंसी थी, स्पेस एजेंसी इसको बनाने में, जिन्होंने भागीदारी की है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये PSC और अन्य एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जो भी मैं वीडियो डालूंगा। धन्यवाद।